Welcome back to my YouTube channel, Information for Learners. So today I'm talking about the बिकॉज स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे मुझे भी, उनके स्कोर 48 रह जाते हैं, एग्ज़ाम दिए उन्होंने 3 times. सो कुछ तो मैसेज थे पाकिस्तान से और कुछ मैसेज थे मेरे गुजरात राजस्थान से, काफ़ी स्कोर कार्ड आए थे मुझे 48, 40 एंड 35. और उनको स्कोर का क्राइटेरिया नहीं पता. जब मेरी उनके साथ कॉल पे बात हुई ना, उनको क्राइटेरिया नहीं पता था स्कोर्स का, क्या पीएससी का क्या क्राइटेरिया है. उन्होंने कुछ और ही लर्न किया था, कुछ इंस्टीट्यूशन से और कुछ कहीं उन्होंने वीडियोस देख के, और बता नहीं रहे थे भी कहाँ से इंस्टीट्यूशन कोचिंग ली थी. उन्होंने कुछ तो बोले थे हम 1 month लगे थे और आफ्टर दैट हमने खुद से घर पे कोचिंग की एंड फिर एग्ज़ाम फिल कर दिया. सो लो स्कोर है पीटी में. सो मेरा मन हुआ मैं वीडियो बना दूँ इसके ऊपर भी, जिनके लो स्कोर आ रहे हैं पीटी में, लो स्कोर्स इन पीटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ जो पीटी की स्पीकिंग है ना, पीटी स्पीकिंग में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो है हमारा रिपीट एंड टेंसेस एंड रीड अलाउड. ये हमारे दोनों बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, पीटी रिपीट सेंटेंसेस सेंटेंसेस एंड रीड अलाउड. ठीक है, सेंटेंस एंड रीड अलाउड. ठीक है, रीड अलाउड में आपका फोकस स्टूडेंट्स का होता है. फिर हमने फटाफट एक स्टूडेंट की आपको मैं स्टोरी बताता हूँ. उसको किसी ने बताया था भी आपने स्पीड में बोल देना है. ठीक है, स्पीड में बोल दोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि उसको किसी ने बताया था भी अगर आप स्पीड से बोलोगे तो वो आपको फ्लुएंसी के मार्क्स देगा. आप कंटेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो, कंटेंट में कोई बात नहीं, कंटेंट में आ जाते हैं, आप इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. सो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है बुरा नहीं है, सब अपनी तरफ से 100% देते हैं और आपकी तरफ से कई बार कम रह जाता है, वो बात अलग है. ठीक है, उनको वो बोलते हैं फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान दो. अगर यार वो आप वहाँ जाके पूरा का पूरा फास्ट बोलोगे, आपको इतना फोकस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे. आप क्या करते हो, कोई भी टेक्स्ट है रीड अलाउड का कुछ भी है, उसको इतना फास्ट वे में बोलते हो वो अंडरस्टैंड नहीं होता. आपने कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाना है, दैट्स इट. अगर आप कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाओगे तो आपके मार्क्स नहीं देगा वो आपको. ठीक है, अंडरस्टैंड की बात करूँ, आपके सामने कोई भी वर्ड है, आप उसको प्रॉपर वे में उसको कंप्यूटर को समझाना है आपने. जैसे कोई भी टेक्स्ट आता है, ठीक है, जैसे लो स्कोर्स इन पीटी, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, लो स्कोर्स इन पीटी ऐसे बोलते हैं, देन मार्क्स कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हो आप पीयर सेंस के, वो आपको मार्क्स देगा. आप रुक रुक के इंग्लिश को स्पीक करते हो, रीड अलाउड्स को रुक रुक के बोलते हो, कुछ तो ऐसे भी स्टॉप बहुत लेते हैं, आफ्टर 1 line 2 line बोलते हैं भी सांस फूल जाती है हमारी एग्ज़ाम में, तो हमसे इतना ही हो पाएगा हमसे. सो आपको फ्लुएंसी की बात करूँ तो फ्लुएंसी बढ़िया आप इंक्रीज करो, बढ़िया, पर स्पीड को मॉडरेट रखो अपना. आप स्पीड्स को इतना ज़्यादा इंक्रीज करके रखते हो भी, जो साथ भी जो आपकी स्पीक रिकॉर्ड हो रही है उतनी ज़्यादा फास्ट होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाती पियर्सन को, वो मार्क्स कैसे देगा. टू दी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पियर्सन को आपने अंडरस्टैंड करवानी है अपनी. ठीक है, जब आपकी जो स्पीकिंग है अंडरस्टैंड होगी देन आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 48, 30 और 35 स्कोर कार्ड आपका बार बार आता रहेगा. आपने प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करवाना है उसको. ठीक है, रिपीट सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं. रिपीट सेंटेंसेस के ऊपर क्या हो रहा है आजकल, देखो जी हमने सुना और हमने लिख के कर रहे हैं. ठीक है, मैंने भी एक शॉर्ट बनाया था, थोड़ा बहुत मैं बता रहा भी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, फर्स्ट अल्फाबेट लिख लो. तो ये नहीं कि आपने सारे के सारे वर्ड्स लिखे, इतना टाइम नहीं होता. अगर आप 3 seconds शांत रहोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा माइक्रोफोन. ठीक है, आपका ध्यान होता है कॉपी के ऊपर लिखने का, पर लिख के प्रैक्टिस मेरे अकॉर्डिंग कम करो. जिसकी प्रैक्टिस की स्पीड ज़्यादा है वो फर्स्ट अल्फाबेट नोट कर सकते हैं, पर ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कई जो लिखते ही रह जाते हैं और वहाँ पे माइक्रोफोन क्लोज हो जाता है, इट्स अ नॉट गुड वे. ठीक है, आपका ध्यान आपका प्रॉपर वे जो रिपीट सेंटेंसेस करने का है वो उसके ऊपर ध्यान देना है. देन आफ्टर आपने उस जब भी आपके रिपीट सेंटेंसेस आप करते हो तो घर पे प्रैक्टिस करो, शॉर्ट मूवीज देख लो. ठीक है, जब आपको अंडरस्टैंडिंग करवा सके इंग्लिश में है क्या और आप क्या कर रहे हो. ठीक है, वर्ड्स की आपको पहचान नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जब भी वो कोई वर्ड बोल के जाता है रिपीट सेंटेंसेस में, उनको पता नहीं होता वो क्या बोल के क्या है। तो देन वो सोचते हैं अभी वो उनको कोई लाइन बताई होती है उनको इंस्टीट्यूशन ने भी, आप बाद में बोल दो आई एम वेरी हैप्पी टूडे, द वेदर इज वेरी गुड, रिपीट सेंटेंसेस के साथ ऐसा कुछ भी ऐड मत करो यार, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी गुड, माई इंग्लिश इज वेरी गुड, ऐसे आपने कुछ नहीं बोलना वहाँ पे। ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है, जो आपको फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन में कराया जा रहा है, बट दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसे आप कुछ ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे आपके। देन आफ्टर मैं रीड अलाउड को रिपीट सेंटेंसेस की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा अगर आपके ये दोनों खराब रहते हैं, देन आफ्टर आप स्पीकिंग में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, आपके स्कोर बढ़िया रहेंगे। उसके बाद है हमारा रीटा लेक्चर। रीटा लेक्चर का जो जितना ज्यादा आप उसको कंटेंट दो रीटा लेक्चर का, उतने ही ज्यादा आपको लिसनिंग मार्क्स मिलेंगे। मैं अलग से वीडियो बनाई है मैंने मार्किंग की, वो चेक कर, रीटा लेक्चर हमारे लिसनिंग में मार्क्स जाते हैं और लिसनिंग प्लस उसमें स्पीकिंग में मार्क्स जाएंगे, ठीक है, लिसनिंग प्लस स्पीकिंग। तो उसका आपने ध्यान रखना है, अगर आप रीटा लेक्चर कर रहे हो तो उसका कंटेंट आपने बढ़िया उठाना है, बढ़िया स्पीक करना है, और वो नहीं करना भी पूरा का पूरा टेम्पलेट है जी हमारे पास, हमने कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं करना भी, आपका कोई 0% है आपको और आप सभी के सब आपके पास टेम्पलेट और टेम्पलेट बोल के आ रहे हो और आपके पास कोई कंटेंट है आपने उठाया ही नहीं, देन ना ही आपने स्पीक किया है, दैट्स नॉट अ गुड वे, ठीक है। उसके बाद में बात करूँगा अभी लो स्कोर्स क्यों आ रहे हैं, उनके ऐसे टेम्पलेट वीक है, ठीक है, वीक ऐसे टेम्पलेट ऐसे में जो उन्होंने दिए कोई लाइन दी है जो एसे के ऊपर लिखने के लिए जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना चाहिए आपको, आप लोग क्या करते हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ऐड ही नहीं करते, पूरा का पूरा टेम्पलेट पूरा लिख के आपने आ जाते हैं, तो मार्क्स कैसे है? थोड़ा बहुत आपने उसके अकॉर्डिंग भी लिखा करो, जो हमको ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत राइट किया करो। उसके बारे में बात करता हूँ ऐसे टेम्पलेट के बाद, क्या वीक हो रहा है आजकल, दो स्कोर्स आ रहे हैं नहीं है, रीडिंग एंड राइटिंग की, रीडिंग की ब्लैंक्स हैं जो, रीडिंग की ब्लैंक्स दो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते, इसको टुक्के मार देते हैं वहाँ पे एग्जाम में जाके भी, ये यहाँ पे ये होगा यहाँ पे ये होगा, आफ्टर दैट उनके मार्क्स नहीं है, तो वो रीडिंग की ब्लैंक्स हैं। अगर आपकी रीडिंग की ब्लैंक्स बढ़िया नहीं होंगी तो आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। सो रीडिंग की ब्लैंक्स के ऊपर फोकस कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रीडिंग एंड राइटिंग दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ब्लैंक्स के ऊपर फोकस कीजिए अपना, देन आफ्टर आपके मार्क्स आ पाएंगे। उसके बाद है हमारा लिसनिंग में आता हूँ मैं, लिसनिंग में आपने फोकस करना है स्पोकन टेक्स्ट एंड हाईलाइट वर्ड्स FIBWFD एंड फ्रॉम डिक्टेशन, स्पोकन टेक्स्ट हाईलाइट करेक्ट वर्ड FIB एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इन पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आप इनके ऊपर ध्यान दो, देन आपके मार्क्स जरूर आएंगे। रीटा रिपीट सेंटेंसेस, रीड अलाउड एंड रीटा लेक्चर, लिसनिंग में मार्क्स देता है आपको। ऐसे की बात करूँ तो वीक ऐसे टेम्पर्ड होगा तभी मार्क्स नहीं आया उसमें। जो रीडिंग के रीऑर्डर्स हैं इनके ऊपर आप अपना फोकस बनाए रखिए, रीऑर्डर के ऊपर भी, ठीक है, रीऑर्डर पैराग्राफ के ऊपर भी, डेली बेसिस के ऊपर आप रीड अलाउड रिपीट सेंटेंसेस को 150 तक करो, 150 में 200, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। रीटा लेक्चर डेली अब 20 to 30 तो आपने करना ही है, ऐसे वन डेली। रीडिंग ब्लैंक्स दोनों की बात करूँ तो 200, रीऑर्डर 50, लिसनिंग, ये सभी मॉड्यूल स्पोकन टेक्स्ट आपने करने हैं, स्पोकन टेक्स्ट डेली 20 to 40, हाईलाइट करेक्ट वर्ड आप करो वे आप करो 50 to 70 70। FIB की बात करूँ तो मैं FIB आप कर सकते हो 100, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही है इसमें। राइट फ्रॉम डिक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 200 to 300 डेली, जिसमें बढ़िया मार्क्स रहने हैं, 65+ इजीली आ जाएंगे डेली बेसिस पर, प्रैक्टिस कर लो आप इनकी। लो स्कोर सभी आ रहे हैं, अब इनका फोकस नहीं आ रहा है मॉड्यूल्स के ऊपर, सभी आपके लो स्कोर 35-48 का जो स्कोर कार्ड आ रहा है इन बेसिस के ऊपर आ रहा है,
ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नीचे अपना नंबर भी ड्रॉप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।